हेलो फ्रेंड्स, अब तक के मेरे वीडियोस में आपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस देखे। इस वीडियो में मैं आपको मिक्स सेंटेंसेस दे रहा हूं। सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है और फिर सेंटेंस बनाना है। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देखिए। चलो शुरुआत करते हैं। उसे बास्केटबॉल खेलना पसंद है। He loves to play basketball. वो स्कूल जाता है। He goes to school. उसे लगता है वो बहुत हैंडसम है। He thinks he is very handsome. वो अपने मित्र को ईमेल लिखती है। She writes an email to her friend. सुनील कल रात बहुत देर से घर आया। सुनील came home very late last night. क्या वो स्कूल जाता है? Does he go to school? मैं अपना बटुआ भूल गया। I forgot my wallet. वो अपने मित्र को रविवार को मिलेगी। She will see her friend on Sunday. She will meet her friend on Sunday. हम सब साथ में गाना गाते हैं। We all sing songs together. मैं अखबार पढ़ूंगा। I will read the newspaper. आप हर रविवार को दादर क्यों जाते हो? Why do you go to दादर every Sunday? कल सूर्य 6 बजे उदय होगा। Tomorrow the sun will rise at 6 AM. क्या यहाँ अक्सर बारिश होती है? Does it usually rain here? किचन में स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू आती है। It smells very delicious in the kitchen. क्या वो ईमेल लिखता है? Does he write an email? Does he write an email? वे 2 घंटे में पहुंचेंगे। They will reach in 2 hours. वे नाचने वाले हैं। They are going to dance. पिछले वर्ष मैंने जर्मन की यात्रा की। Last year I traveled to Germany. वो आपकी कल मदद करेगा। He will help you tomorrow. उन लड़कों ने गेंद से खेला। Those boys played with ball. एक बूढ़ी औरत ने मुझसे बात की। An old lady talked to me. मैं आपसे कल मिलूंगा। I will see you tomorrow. नर्स बच्चे को पार्क में लेकर आई। The nurse brought the baby to the park. सूर्य पूर्व में उदय होता है। The sun rises in the east. The sun rises at the east. बुढ़ा आदमी रास्ते पर गिर गया। The old man fell down on the road. क्या वह कार से काम पर जाता है? Does he go to work by car? यहाँ गर्मियों में बारिश नहीं होती है। It doesn't rain here in the summer. एक ट्रक आई और उसे टक्कर मार दी। A truck came and hit him. हम रोज खाना पकाते हैं। We cook food every day. हम क्लब साथ में जाते हैं। We go to the club together. उसने सरेआम खत्म कर दिए। She finished all the mangoes. क्या आपका बड़ा घर है? Do you have a big house?
वो स्त्री नहीं करेगी, शी वोंट डू द आयनिंग. आप एक दूसरे को कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो ईच अदर? वे दोपहर को क्यों सोते हैं? वाई डू दे स्लीप इन द आफ्टरनून? मैं अगले सप्ताह लंदन जाऊंगा. आई विल गो टू लंदन नेक्स्ट वीक. वे अक्सर एक दूसरे से कब बात करते हैं? वेन डू दे यूजली टॉक टू ईच अदर? मैं अप्रैल में 27 वर्ष का हो जाऊंगा. आई विल बी 27 इन अप्रैल. बच्चे घर पर हैं? द चिल्ड्रन आर एट होम. मैंने पायलट कोर्स में दाखिला ले लिया. आई एनरोल टू द पायलट कोर्स. अगले सप्ताह इतनी ठंड नहीं होगी. इट वॉन्ट बी दिस कोल्ड नेक्स्ट वीक. डॉक्टर स्मिथ ने मरीज को ठीक कर दिया. डॉक्टर स्मिथ हील्ड द पेशेंट. क्या इससे तकलीफ होगी? विल इट हर्ट? वे बच्चों के लिए दो उपहार लाए. दे बॉट टू गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन. मनीष ने पूरे वर्ष खूब पढ़ाई की. मनीष स्टडीड हार्ड ऑल ईयर. मैं चाय बनाऊंगा. आई विल मेक टी. वो अपने परम मित्र से मिलेगा. ही विल मीट हिज बेस्ट फ्रेंड्स. पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है. द अर्थ गोस राउंड द सन. वो फुटबॉल मैच नहीं देखेगी. शी वॉन्ट वॉच द फुटबॉल मैच. सुनीता दिन में दो बार दांत घिसती है. सुनीता ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस ए डे. वो रोज सुबह जल्दी कैसे उठ जाता है? हाउ डज ही गेट अप अर्ली एवरी डे? वे मैच जीतेंगे. दे विल विन द गेम. वे यूएसए में इंग्लिश बोलेंगे. दे विल स्पीक इंग्लिश इन यूएसए. मुझे जासूसी उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है. आई लाइक रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज. वे स्कूल जाएंगे. दे विल गो टू स्कूल. वह कंप्यूटर का उपयोग नहीं करती है. शी डजेंट यूज ए कंप्यूटर. वह सोमवार को नहीं पढ़ती है. शी डजेंट स्टडी ऑन मंडे. क्या वह पेरिस में रहती है? डज शी लिव इन पेरिस? शीतकाल में रूस में बहुत बर्फ पड़ती है. इट स्नोस ए लॉट इन विंटर इन रशिया. वह गणित क्यों नहीं सिखाता है? Why doesn't he teach maths? पृथ्वी गोलाकार है. The earth is spherical. बिल्लियां पानी से नफरत करती हैं. Cats hate water. हम शायद जीतेंगे. We will probably win. प्रत्येक बच्चे को आइसक्रीम पसंद है. Every child likes ice cream. मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती. माई मदर नेवर लाइज. क्या वह दौड़ में भाग लेगा? विल ही पार्टिसिपेट इन द रेस? वो होटल में ठहरेगा. ही विल स्टे इन होटल. वो हमें सूचित नहीं करती. शी डजेंट इन्फॉर्म अस. वह हरेक से पंगा लेता है. ही मैसेज विथ एवरीवन. माली ने सूखे पत्ते साफ किए. द गार्डनर स्वेप्ट अप डेड लीव्स. हमने संगीत सुना. वी लिसन टू म्यूजिक. वो पिछली रात 7 बजे कहाँ थी? वेयर वॉज सी एट 7 o'clock लास्ट नाइट. आप प्रत्येक गर्मियों में कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो एवरी समर? क्या आपको बर्गर पसंद आया? Did you like the burger? आपकी बेटी पढ़ाई कब करती है? When does your daughter study? मेरा भाई ने भंगार बेच दिया. My brother sold out the clutter. कोर्ट अगले सप्ताह शुरू होगा. The court will start next week. वह पत्र लिखता है. He writes letter. यह यंत्र कैसे काम करता है?
हाउ डज दिस मशीन वर्क, किसी ने मेरी घड़ी चुराई, समवन स्टोल माई वॉच, वो अकेले सफर क्यों नहीं करती, वाई डज शी नॉट ट्रेवल अलोन। चेतन भगत ने यह उपन्यास लिखा, चेतन भगत रोड दिस नॉवेल, मेरा भाई सुंदर चित्र बनाता है, माय ब्रदर मेक्स ब्यूटीफुल पिक्चर। आप कौन हो, हु आर यू, उसका नाम क्या है, व्हाट इज हिज नेम। कोहली ने शतक बनाया, कोहली मेड सेंचुरी, वे छुट्टी पर कब जाएंगे, When will they go for holiday? राकेश तुम्हारी मदद नहीं करेगा, राकेश विल नॉट हेल्प यू। हम हॉकी नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले हॉकी। वो हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा, वाई विल ही नॉट लिसन टू अस। वो मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट विथ मी। मैं कॉमर्स का छात्र हूँ, आई एम ए कॉमर्स स्टूडेंट। वो पैसे कैसे बर्बाद करता है, हाउ डज ही वेस्ट मनी। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, आई शैल नॉट वेट हियर। मेरे पिताजी सरकारी सेवक हैं, माय फादर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। क्या मैं मूर्ख हूँ, एम आई ए फूल। वो इस कार्य के योग्य नहीं है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। क्या आपको थोड़ी फुर्सत है, डू यू हैव सम स्पेयर टाइम। आप इस क्लब के सदस्य नहीं हो, यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ दिस क्लब। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, आई डोंट हैव एनी नॉलेज। इस साल बारिश क्यों नहीं हुई, वाई डिड इट नॉट रेन दिस ईयर। वह चोर को क्यों नहीं पकड़ेगा, वाई विल ही नॉट कैच द थीफ। मैं एक अच्छा कर्मचारी था, आई वॉज ए गुड एम्प्लॉई। क्या मैं सुंदर नहीं हूं, एम आई नॉट ब्यूटिफुल। वो इस गलती के लिए जिम्मेदार था, ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। उसके पास कोई सहारा नहीं था, ही डिड नॉट हैव एनी सपोर्ट। हम समूह में काम करते हैं, वी वर्क इन ग्रुप। क्या यह मूल्यवान है, Is this valuable? Is it valuable? वे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, They do not know English. क्या आप जिम्मेदार नहीं हो, Are you not responsible? शीतकाल में मनाली में बर्फ गिरती है, It snows in Manali during winter. वह झूठों को पसंद नहीं करता, He does not like liars. वे ठीक समय पर क्यों नहीं आए, Why did they not come on time? उसने तुरंत जवाब दिया, He immediately replied. मुझे फिल्म पसंद नहीं आई, I did not like the movie. वे रात में क्यों पहुंचेंगे, Why will they reach at night? कौन सदस्य नहीं है, Who is not a member? वह एक विशेषज्ञ है, He is a specialist. वह आज्ञा नहीं मानेगा, He will not obey. क्या वे पुलिस में शिकायत करेंगे, Will they report to police? ऊंट की पीठ पर क्या था, What was there on the camel's back? तुम कहाँ रहते हो, Where do you live? Now, your turn to answer. Let's see how many sentences you are able to answer correctly. Think and answer. उसे बास्केटबॉल खेलना पसंद है. He loves to play basketball. He likes to play basketball. वह स्कूल जाता है.
ही गोज टू स्कूल, उसे लगता है वो बहुत हैंडसम है। ही थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम, वो अपने मित्र को ईमेल लिखती है। शी राइट्स एन ईमेल टू हर फ्रेंड, सुनील कल रात बहुत देर से घर आया। सुनील केम होम वेरी लेट लास्ट नाइट, क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल, मैं अपना बटुआ भूल गया। आई फॉरगॉट माय वॉलेट, वो अपने मित्र को रविवार को मिलेगी। शी विल सी हर फ्रेंड ऑन संडे, सी विल मीट हर फ्रेंड ऑन संडे, हम सब साथ में गाना गाते हैं। वी ऑल सिंग सॉन्ग्स टुगेदर, मैं अखबार पढ़ूंगा। आई विल रीड द न्यूज पेपर, आप हर रविवार को दादर क्यों जाते हो? Why do you go to Dadar every Sunday? कल सूर्य 6 बजे उदय होगा। Tomorrow the sun will rise at 6 AM. क्या यहाँ अक्सर बारिश होती है? Does it usually rain here? किचन में स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू आती है। It smells very delicious in kitchen. क्या वह ईमेल लिखता है? Does he write an email? वे 2 घंटे में पहुंचेंगे। They will reach in 2 hours. वे नाचने वाले हैं। They are going to dance. पिछले वर्ष मैंने जर्मनी की यात्रा की। Last year I traveled to Germany. वे आपकी कल मदद करेंगे। They will help you tomorrow. उन लड़कों ने गेंद से खेला। Those boys played with ball. एक बूढ़ी औरत ने मुझसे बात की। An old lady talked to me. मैं आपसे कल मिलूंगा।
I will see you tomorrow. I will meet you tomorrow. नर्स बच्चे को पार्क में लेकर आई. The nurse brought the baby to the park. सूर्य पूर्व में उदय होता है. The sun rises at the east. The sun rises in the east. बुड्ढा आदमी रास्ते पर गिर गया. The old man fell down on the road. क्या वह कार से काम पर जाता है? Does he go to work by car? यहाँ गर्मियों में बारिश नहीं होती है. It doesn't rain here in summer. एक ट्रक आई और उससे टक्कर मार दी. A truck came and hit him. हम रोज खाना पकाते हैं. We cook food every day. हम क्लब साथ में जाते हैं. We go to the club together. उसने सारे आम खत्म कर दिए. She finished all the mangoes. क्या आपका बड़ा घर है? Do you have a big house? वो स्त्री नहीं करेगी. She won't do the ironing. आप एक दूसरे को कैसे जानते हो? How do you know each other? वे दोपहर को क्यों सोते हैं? Why do they sleep in the afternoon? मैं अगले सप्ताह लंदन जाऊंगा. I will go to London next week. वे अक्सर एक दूसरे से कब बात करते हैं? When do they usually talk to each other? मैं अप्रैल में 27 वर्ष का हो जाऊंगा. I will be 27 in April. I will turn 27 in April. बच्चे घर पर हैं. The children are at home. मैंने पायलट कोर्स में दाखिला ले लिया. I enrolled to the pilot course. I enrolled for the pilot course. अगले सप्ताह इतनी ठंड नहीं होगी.
It won't be this cold next week. डॉक्टर स्मिथ ने मरीज को ठीक कर दिया। डॉक्टर स्मिथ हील्ड द पेशेंट। डॉक्टर स्मिथ ट्रीटेड द पेशेंट। क्या इससे तकलीफ होगी? विल इट हर्ट? वे बच्चों के लिए दो उपहार लाए। दे बॉट टू गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन। मनीष ने पूरे वर्ष खूब पढ़ाई की। मनीष स्टडीड हार्ड ऑल ईयर। मैं चाय बनाऊंगा। आई विल मेक टी। वो अपने परम मित्र से मिलेगी। She will meet her best friend. पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। The earth goes round the sun. The earth revolves round the sun. वो फुटबॉल मैच नहीं देखेगी। She won't watch the football match. She will not watch the football match. सुनीता दिन में दो बार दांत घसती है। सुनीता ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे। वो रोज सुबह जल्दी कैसे उठ जाता है? हाउ डज ही गेट अप अर्ली एवरी डे? वे मैच जीतेंगे। They will win the game. They will win the match. वे यूएसए में इंग्लिश बोलेंगे। They will speak English in USA. मुझे जासूसी उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है। I like reading detective stories. I like to read detective stories. वे स्कूल जाएंगे। They will go to school. वह कंप्यूटर का उपयोग नहीं करती है। She doesn't use a computer. वह सोमवार को नहीं पढ़ती है। She doesn't study on Monday. क्या वह पेरिस में रहती है?
Does she live in Paris? शीतकाल में रूस में बहुत बर्फ पड़ती है। It snows a lot in winter in Russia. वो गणित क्यों नहीं सिखाता है? Why doesn't he teach maths? पृथ्वी गोलाकार है। The earth is spherical. बिल्लियां पानी से नफरत करती हैं। Cats hate water. हम शायद जीतेंगे। We will probably win. प्रत्येक बच्चे को आइसक्रीम पसंद है। Every child likes ice cream. मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। My mother never lies. My mother never speak lie. क्या वह दौड़ में भाग लेगा? Will he participate in the race? वो होटल में ठहरेगा। He will stay in hotel. वो हमें सूचित नहीं करती। She doesn't inform us. वो हर एक से पंगा लेता है। He messes with everyone. माली ने सूखे पत्ते साफ किए। The gardener swept up dead leaves. The gardener cleared the dead leaves. हमने संगीत सुना। We listened to music. वह पिछली रात 7 बजे कहाँ थी? Where was she at 7 o'clock last night? आप प्रत्येक गर्मियों में कहाँ जाते हो? Where do you go every summer? क्या आपको बर्गर पसंद आया? Did you like the burger? आपकी बेटी पढ़ाई कब करती है? When does your daughter study?
मेरा भाई ने भंगार बेच दिया। माई ब्रदर सोल्ड आउट द क्लटर। कोर्ट अगले सप्ताह शुरू होगा। द कोर्ट स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। वह पत्र लिखता है। He writes letter. यह यंत्र कैसे काम करता है? How does this machine work? किसी ने मेरी घड़ी चुराई। Someone stole my watch. वो अकेले सफर क्यों नहीं करती? Why does she not travel alone? Why doesn't she travel alone? चेतन भगत ने यह उपन्यास लिखा। चेतन भगत रोड दिस नॉवेल। मेरा भाई सुंदर चित्र बनाता है। माय ब्रदर मेक्स ब्यूटीफुल पिक्चर। आप कौन हो? हु आर यू? उसका नाम क्या है? व्हाट इज हिज नेम? कोहली ने शतक बनाया। कोहली मेड सेंचुरी। वे छुट्टी पर कब जाएंगे? When will they go for holiday? राकेश तुम्हारी मदद नहीं करेगा। राकेश will not help you. हम हॉकी नहीं खेलते हैं। We do not play hockey. वो हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा? Why will he not listen to us? वो मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। He plays cricket with me. मैं कॉमर्स का छात्र हूँ। I am a commerce student. वह पैसे कैसे बर्बाद करता है? How does he waste money? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। I shall not wait here. मेरे पिताजी सरकारी सेवक हैं। My father is a government servant. क्या मैं मूर्ख हूँ?
एम आई ए फूल, वो इस कार्य के योग्य नहीं है। He is not eligible for this job. क्या आपको थोड़ी फुर्सत है? Do you have some spare time? आप इस क्लब के सदस्य नहीं हो। You are not a member of this club. मुझे कोई ज्ञान नहीं है। I don't have any knowledge. इस साल बारिश क्यों नहीं हुई? Why did it not rain this year? वह चोर को क्यों नहीं पकड़ेगा? Why will he not catch the thief? मैं एक अच्छा कर्मचारी था। I was a good employee. क्या मैं सुंदर नहीं हूं? Am I not beautiful? वो इस गलती के लिए जिम्मेदार था। He was responsible for this mistake. उसके पास कोई सहारा नहीं था। He did not have any support. हम समूह में काम करते हैं। We work in group. क्या यह मूल्यवान है? Is it valuable? वे अंग्रेजी नहीं जानते हैं। They do not know English. क्या आप जिम्मेदार नहीं हो? आर यू नॉट रेस्पॉन्सिबल? शीतकाल में मनाली में बर्फ गिरती है। इट स्नोस इन मनाली ड्यूरिंग विंटर। वो झूठों को पसंद नहीं करता है। He does not like liars. वे ठीक समय पर क्यों नहीं आए? Why did they not come on time? उसने तुरंत जवाब दिया। He immediately replied. He replied immediately. मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। I did not like the movie. वे रात में क्यों पहुंचेंगे?
Why will they reach at night? कौन सदस्य नहीं है? Who is not a member? वह एक विशेषज्ञ है. He is a specialist. वह आज्ञा नहीं मानेगा. He will not obey. क्या वे पुलिस में शिकायत करेंगे? Will they report to the police? ऊंट की पीठ पर क्या था? What was there on the camel's back? तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? Friends, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा? मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बार बार देखकर अपना इंग्लिश का नॉलेज बढ़ाना चाहिए. मेरे आने वाले वीडियो में आपको परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस मिलेंगे. तो इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का. Friends, if you like my video and you don't want to miss my coming videos, so subscribe for my channel and don't forget to like it and comment on it. For more details, visit my YouTube channel Ikta Skills and improve your English knowledge. Thank you. Keep learning. Have a nice day.